कभी-कभी ये जान के बहुत खुशी होती है कि कुछ लोग हमेशा समाज की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार रहते हैं। इस वक्त जहां कोरोना की वजह से लोगों में काफ़ी निराशा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हीं में से एक इंसान है शांतनु घोष। ये एक बिजनेसमैन है। इन्होंने हमारे लेस इंस्पायर मूवमेंट की काफ़ी सराहना की है और उसमें अपना योगदान भी दिया है। हालांकि इन्होंने वीडियो तो नहीं भेजा, पर एक बहुत ही अच्छा संदेश हम सबके लिए भेजा है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह और उससे आने वाली परेशानियों से भविष्य में कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में हमें बताया है। उन्होंने आज प्रकृति दिवस के अवसर पर माँ प्रकृति का ख्याल रखने के लिए हमें प्रेरित किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के इस माहौल में हमारी ज़िंदगी में आए चेंजेस के बारे में हमें बताया है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोच के बल्कि औरों के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित किया है। मैं उनकी ओर से उनका ये मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर मैं उनका ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होता हूं, तो इस वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर जरूर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ। थॉट क्यूरेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर हर किसी को अपने विचार अनुसार एक छोटा सा वीडियो बनाने को कहा, किंतु मुझे उसका अभ्यास नहीं है। इसके चलते मैं अपने निजी विचारों की चंद लाइनें आपके हवाले कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, मेरे मुताबिक प्रकृति उस अभिभावक के समान है जो खुद से जुड़े हुए लाभ व हानि सब प्राणी जगत को समान रूप से वितरित करती है, किंतु हम अपने स्वार्थ अनुसार प्रकृति का दोहन अथवा रख रखाव करते हैं और ऐसा करने उपरांत अगर उससे कोई लाभ या हानि उत्पन्न होती है तो सभी प्राणी जगत को समान रूप से उन लाभ और हानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हम सबको निजी विवेक अनुसार ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार हम अपने अभिभावक से उतनी ही मदद लेते हैं जिससे उनका कोई व्यक्तिगत नुकसान न हो, अन्यथा हमें अपने व्यस्त जीवन में अनावश्यक चिंतन व परेशानी का सामना करना पड़ता है और इन्हीं वजहों से उत्पन्न उनके कष्टों के लिए हमें दैनिक समय के अलावा अन्य समय भी काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं। यही आचरण हमें प्रकृति के लिए भी रखना होगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी इस प्रकृति में सुरक्षित रहेगा। इसका कोई अन्य रास्ता नहीं है। और यदि हम इस वैश्विक महामारी के बाद भी नहीं समझते और हमसे इस प्रकृति के प्रति कोई चूक या गलती होती है तो हो सकता है कि हम सबको अपने प्राण देके उस गलती की कीमत चुकानी पड़े। और जहाँ तक इस समय हम छोटे बड़े व्यापारी भाइयों और सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों की बात है, हमारे कार्यशैली में अनेक तरह के बदलाव आए हैं, जैसे कि अब हम मास्क लगा के काम पे जाते हैं, कई बार 20-20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, खुद को और सामने वाले को सैनिटाइज करते हैं, हर दूसरे व्यक्ति से 1 या 2 गज की दूरी रखकर हर काम करने की संभव कोशिश करते हैं, घर लौटकर दरवाजे पे ही नहाते हैं और फिर घर के अंदर जाते हैं। इतना करने के बाद भी हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते कि हम इस वायरस से ग्रसित होंगे या नहीं। किंतु दोस्तों, जो भी हो, हमें इस बार भी जीना सीखना पड़ेगा और हर कमज़ोर आदमी का सहारा भी बनना पड़ेगा। ध्यान रखें, खुद के लिए जीना कोई जीना नहीं होता, औरों के लिए ही जीना जीना होता है। ईश्वर ने हमें प्राणी जगत के उत्कर्ष रूप में मानव श्रेणी में जन्म देके भवसागर में भेजा है। हमें आजीवन एक अच्छे मनुष्य की पहचान बनाए रखनी होगी। हमें खुद के परिवार का, औरों का और प्रकृति का ख्याल रखना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग इस मानवता के प्रण को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शो मस्ट गो ऑन, बी सेफ, स्टे सेफ। सुरक्षा यंत्रों का एक छोटा व्यापारी शांतनु घोष। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इन्होंने अपना नंबर भी मैसेज में लिखा है, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप भी हमारे इस लेट्स इंस्पायर मोमेंट में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप भी अपना वीडियो या मैसेज हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।